यातायात नियमों का पालन करें लोग तो शहर की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। रीवा शहर के पडरा जेपी मोड़ पर यातायात पुलिस ने संगन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान नशे के आदि युवकों को समझाइश भी दी गई और साथ ही चेकिंग में यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों को समझाने के साथ साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। हमारी मुलाकात हुई है दिलीप तिवारी जी से, ये यातायात रीवा में है, पदस्थ है। आज सर यहाँ पे आप चेकिंग लगा के रखे हैं, क्या उद्देश्य है चेकिंग का? चेकिंग डेली लगती है, आज ही नहीं लगती, डेली लगती है। अच्छा। और करीबन 3-4 जगह हम शहर में चेकिंग लगाते हैं, हमारे DSP प्रोफेसर के आदेश से 3-4 जगह हम चेकिंग लगाते हैं शहर में पर डे। उद्देश्य चेकिंग का यही है कि लोग जो है यातायात के नियमों का पालन करें। अब यातायात के नियमों में मेन जो नियम है वो कौन से हैं? आप हेलमेट लगा के चलें आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। गाड़ी में नंबर प्लेट लगा के चलें, नंबर लिखा होना चाहिए गाड़ी में। मास्क लगा के रखें और ट्रिपलिंग ना करें, तीन सवारी ना चलें, दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं। ये छोटे नियम हैं जो बेसिक हैं, हर आदमी कर सकता है, इसको करना चाहिए। ये जो नहीं करते उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, चालान काटते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। दारू पी के जो ड्राइविंग करते हैं उनके लिए क्या अलग से यंत्र कोई रहता है आपके पास? चेकिंग यंत्र, ब्रीथलाइजर यंत्र रहता है जिससे हम दारू चेक करते हैं। शाम को विशेषकर इसकी चेकिंग की जाती है, दिन में हम चेकिंग नहीं करते हैं। रेंडमली दिन में कभी चेकिंग करते हैं, पर शाम को दारू की चेकिंग करते हैं ब्रीथलाइजर के माध्यम से। फिर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण बना करके कोर्ट पेश करते हैं, फिर कोर्ट से उनका जुर्माना होता है। अभी कोई आज चालानी कार्रवाई हुई है? अभी हमने लगभग 50 वाहनों को चेक किया, जिसमें से 30-35 वाहनों के चालान काट चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, बढ़िया हेलमेट लगा के चलेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट लगाएंगे उतना अच्छा शहर हमारा दिखेगा। सीट बेल्ट लगा के चलें, आप लोगों का शहर है। शुभकामनाएं आप लोगों को दीपावली की, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। धन्यवाद।